ये नहीं जान छोड़ने वाले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे पान से बात तो कर लेने दो। छोड़े हैं, इधर आओ। क्या हुआ? सिर ते बन लगो। क्यों? मैंने कहा है तेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, यानी कि दो नंबर ही है। मजाक छोड़ो, हाथ रखो इधर। हाँ। गल मेरी कान खोल के सुन लो। हाँ। अगर आज मैंने उम्मीद करना ले के दिन रोज के चली जाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं बात करता। चले लगे सही भी सिरे दर्द है। कुछ ना पूछो, बड़ी शदीद सिर में पीड़ हो रही है पैन। ये मेरा ही हौसला है, पता नहीं मैं किस तरह पौड़ियां उतर के आया हूँ पैन। मुझे लगता है कि आज मेरी नसें फट जानी है। इतनी पीड़ है कि जनानी का दुपट्टा ही बांध लिया सिर पे। ओ है आकर पैरासिटामोल की दो गोलियां खा, जाके खोल दुकान। तू तो बच्चों की तरह कर रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, मैंने आज स्कूल नहीं जाना। अब पायन कुछ तो ख्याल करे ना, निका भरा है आपका। सच में तबीयत ठीक नहीं है शबान की, और आपको काम की पड़ी है। हाय हाय हाय, ख्वाजे दी गवाह बेगम डड्डू। वैसे पायन ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कहूं आपकी बीवी को बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम तो अच्छा लगेगा आपको? बस बस, अपने किल के लियान में मुझे ना घसीटो। अच्छा जी, अभी तो बड़े दंद निकल रहे थे, अपनी पूछल ते पैर आया तो की हो गया, मैनू ना घसीटो। और चुप कर रहे दोनों, मैं भी रोज गोलियों के फक्के मार के जाता हूँ दुकान पे, इस तरह हड़रामी नहीं करता। नहीं चलते इस तरह कारोबार। क्या कहा भाई? मैं हड़रामू? हाँ जी मैं। हाँ जी, और जाओ भाने जाके शीशा तको। सारी दिहाड़ी काउंटर पे खड़े होके थबलतू गिनते रहते हैं, और मुझे पूरे शहर में पंभीरी की तरह घुमाया हुआ। नहीं तो क्या? ओ पाप मेरी, तू बैठ जा काउंटर पे। पिछले महीने दो दिन मैं नहीं बैठा ना, निस्त मार के रख दिए पूरे हिसाब किताब की। ना तो फिर क्यों भेज रहे हो मुझे सिर दर्द समेत? पता है ना घंटा नहीं लंगना मेरे बगैर दुकान पे इनका बातें करते हैं। मैं हूं हड़राम। और नहीं तो क्या? सारे काम शबान देखे, ना कोई सिला ना मुआवजा। अच्छा मैं काम नहीं करता है, हक नहीं देता तुम लोगों का। ओ इतने तंग हो तो लैदा कर लो कारोबार। चाय पीनी भी हराम करती है। ओए वाकई सिद्धा शुरू हो गई है। तू जाना भी तो ना, उठ जा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कैसे है तू बेटा? दवाई खाई थी? चाचा चपली, 1000 का चेंज होगा? नहीं है, आगे से ले लो। एक दफा ना मैं और मेरी गुरु भाई हाजी बॉबी गांव के एक फंक्शन पे गए। उस वक्त हम बिल्कुल जवान थी। गांव के शरारती लड़कों ने वेलों में नोट फेंकने की बजाय हमें ठीपे मारने शुरू कर दिए,
उस वक्त वो बड़ा ठीपा चलता था आठ आने वाला, वो मेरी पुड़पड़ी पे। बिल्ले को आपने भेजा था शेल्टर होम? आहिस्ता बोलो, बदमाश का भी दिल बैठ सकता है। बुलाएं अपने उस बदमाश को फौरन। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने मेरे सारे जानवर भगा दिए, कब्जा कर लिया मेरे शेल्टर होम पर। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो, मेरी जन्नत। मैं आपको ये बता रही हूं, मुझे मेरे जानवर वापस चाहिए। ये तो एक और बात, मैं ना कल आई थी यहां, मुझे ये सुनने को आया कि आप मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहते। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे मुलाकातें करने का। कान खोल कर सुन लें आप। हाँ ठीक है, आपने शेल्टर होम खोलने में मेरी मदद की, थैंक यू वेरी मच। इस तरह कहते हैं थैंक यू? जी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहेंगे आएंगे और मेरा शेल्टर होम तबाह कर देंगे। पता नहीं कहां से जानवर मैंने रेस्क्यू किए थे, पता नहीं किस हाल में होंगे बेचारे। आप उस जाहिल को बुलाएं, बुलाएं उस जाहिल को। ओए 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 ओए, मुन्नी जी आई हैं। हेलो मुन्नी जी। आप इसे पूछें मेरे जानवर कहां हैं। मुन्नी बदनाम। शट अप। ठीक है जी, शट अप हो जाते हैं। इससे पूछें मेरे जानवर कहां हैं। बिल्ले बताओ उनको। आपसे नहीं पूछा जाएगा शाहजी, मुझको पूछना चाहिए ना। पूछे जी आप, पूछे आप। बहुत अच्छा पूछ रही हैं। अभी ये नशे में है, अभी इसे समझ नहीं आएगी। कौन नशे में है? तू। मैं आपको बता रही हूं, मुझे मेरे जानवर कल तक चाहिए। कौन सा जानवर चाहिए? शेर, हाथी, बंदर, चीता या फिर कुत्ता? इसे मेरी नजरों से दूर कर दें, मैं बहुत मारूंगी इसे। बिल्ले जी बात तो करने दें, मजा आ रहा है। अच्छा तो आप लोगों को मारती भी है? लो जी, अब मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही लोगों को मारता हूं। तो कैसे मारते हैं मुन्ने जी? ऐसे मुझे भी मारे ना, ऐसे मारे कि इधर लगे डस करके। अब मारे ना। मारे ना। बेरी पिया है सन की जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। मेरी एक बद्दुआ तो पूरी हो गई। इधर पा रफीक और बाकी मंगेरे आने वाले अच्छे वक्त के हसीन ख्वाब देखने में मसरूफ थे, और उधर खजाने की अगली मंजिल का बंदोबस्त हो चुका था।
चाबी नहीं है मेरे पास, इसको कौन है? चाबी दे, बजनी में आवाज कैसी आ रही है? हाय रफीक भाई, क्या हुआ? मेरा खजाना ना के सारे का सारा, अब मैं क्या करूंगा? कितने बंदे थे? पता नहीं, मेरा तो मुंह नीचे था, कितने बंदे थे छान भी नहीं सकता, वो जो नीचे था। चलो ब्रो ना, कहाँ रह गई थी तुम? अब्बा ने तुम्हारे चनों के इंतजार में ना आखिर चाय के साथ ही खाना शुरू कर दिया। ओहो, तो ले आई हूँ ना चने, और साथ मिठाई भी लाई हूँ। क्यों? पहले मुंह तो मीठा कर। नहीं नहीं नहीं, क्या है? अब्बा मुंह मीठा कर। पागल हो गई है? पर कर, रोटी खान दे। ओहो, खा लेना रोटी भी, रोटी तो रोज ही खाते, पहले मुंह मीठा कर, चल। हुआ क्या है? एक बड़ी स्वादी खबर लेकर आई हूँ, सुनने के लिए तैयार हो? बताओ बताओ। मघेरों से खजाना चोरी हो गया है। क्या बंगिया मार रही है? ले कसमे, पारफीक के घर रात डाकू आए थे, उन्होंने उसे पकड़ के चंगी फेंटी लगाई, खजाना लेकर चले गए। मजा आ गया कसम से, बड़ा शोखा आ रहा था ना, हमारे घर से खजाना लेकर गया था, अब बैठा रो रहा है। और वो मास्टर तुफेल, इसी खजाने की वजह से उसने रिश्ता तोड़ा था ना, अब उसके घर में भी मातम हो रहा है। मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। चलो मैं भी अपना मुंह मीठा कर लेती हूँ। और कोई आपस में बात की हो उन्होंने? आवाज पहचान सकता उनकी? वही तो बता रहा हूँ मैं उधर सो रहा था कि किसी ने आकर मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दो तीन बंदे जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़े लपेटे हुए थे, उन्होंने मुझे आकर पकड़ लिया। जब मैंने उठने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी बात जो मुझे याद है, उनमें से एक ये कह रहा था कि जाकर अलमारी का ताला तोड़ दो। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ और पांव कपड़े से बंधे हुए थे, और मेरे मुंह को भी उन्होंने कपड़े से बंद किया हुआ था। उसके बाद फिर सुबह नीलो और इसके साथियों ने आकर मुझे खोला। अभी तक निशान है। सबर कर पारफीक, सबर कर। ओनी का काम ना हो? नहीं नहीं, ये उनका काम नहीं है, वो तो सारी रात वर्षा के डेरे पर थे। तुम लोग ये सोचो कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसे थी हमें हयाना मिलने पे? हम सानियों को और नेकों को। बस भाई बस, इन दोनों में से किसी एक का काम है पारफीक, मुझे पूरा पूरा शक है। मैंने सुना है कि हम सानी कह रहे थे कि ये जो मगेरे हैं ना, इन्होंने बब्बर शाह को पट्टियां पढ़ाकर और उल्टी सीधी बातें बताकर ये साबित किया है कि मंगेरे ही फकीरे के असल वारस है, हालांकि खुदा जानता है।
कि मंगेरों ने कभी बब्बर शाह से ऐसी बात नहीं की। भला बब्बर शाह कभी किसी की बात सुनने वाला है? और वो अपने फैसले खुद करता है। हाँ ओए पारफीक, तकलीफ तो नेकों को भी हमें हजाना मिलने पर वाह वाह हुई थी। और मैंने सुना है कि वो लोग रात को इकट्ठे होकर कोई प्लानिंग शलानिंग भी करते रहे हैं। और मुझे इन नेकों पर भी पूरा पूरा शक है, बल्कि शक नहीं है पारफीक, और मुझे यकीन है। चपली से बब्बर शाह ने अपने पैसे वापस मांग लिए, और जरूरत है ना उसको पैसों की आजकल। बिल्कुल ठीक कह रहे, पर मेरा दिल बड़ा कमजोर है पारफीक। जाहिर है, सीधी सी बात है, किसी का हक मारेंगे तो ये तो होगा, किसी गरीब की बात दुआ लग गई है बस। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, इन मघेरों की शो तो मठी हुई। बड़ा अकड़ अकड़ के चलता था पारफीक, हैं? वो सबको कहता फिरता था कि जैसे खजाना उसके बाप का हो। यार जो भी है, कुछ खुशी की बात नहीं है ये भाई। आज उनकी चोरी की कल को हमारी भी हो सकती। सोचने की बात ये है कि बब्बर शाह के होते हुए जीवन नगर में कभी कोई चोरी हुई नहीं, तो इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? पाए ना, ऐसा तो नहीं है कि ये गेम मगेरों ने खुद डाली हो और इल्जाम हम हमसानियों पे लगा दें। ऐवे ही लगा दें, छितर भी खाएंगे हमसे। तो लगा ना दें, लगा दिया है। और पारफीक सबको कहता फिरता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमसानियों को थी, और खजाना भी हमसानियों ने चोरी किया है। लो जी, दे चेक किया जरा। ये तो फिर सीधी सीधी लड़ाई है। बब्बर शाह ने फैसला किया, हमने मान लिया, फिर वो हमारे खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? और वो मास्टर तो फैल सबको कहता फिर रहा है कि नेको ने रात को इकट्ठे होके चोरी की प्लानिंग की थी। मास्टर तफैल का तो दिमाग फिर गया। वो तो ये भी कह रहा था कि चपली को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने चोरी करवाई है। ओ मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता कि जीवन नगर में चोरी की सजा क्या है। हैं? मैं क्यों करूंगा चोरी या करवाऊंगा? मास्टर तफैल और रफीक बब्बर शाह की तरफ जा रहे हैं। लो वो पहुंच भी गए। मगर ये कैसे हो गया? ये तो अब तफ्तीश होगी तभी पता चलेगा कि ये सब कैसे हो गया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जीवन नगर में चोरियां नहीं होती थी, कोई बहुत अरसा पहले एक आध चोरी हुई थी, लेकिन बब्बर शाह ने ऐसी सख्त सजा दी फिर किसी की जरूरत नहीं हुई। इसलिए सबका ये कहना है कि ये किसी बार वाले का काम है जो आके खजाना लूट के गया है, कोई बार वाला। अब ये बात भी ना भूलना कि तेरे बच्चे भी बार वाले हैं, और वो भी रफीक के कार में है ना। नहीं नहीं बिल्ली, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, मैंने उनको ये नहीं सिखाया। बिल्ले, हम लोग मांग लेते हैं, हम चोरी नहीं करते ना। खैर, वो ही मगेरे आने वाले होंगे रोते धोते हुए, तैयारी पकड़ ले, अच्छा परफॉर्म करने। शाबाश। अच्छा बिल्ले, मेरी बद्दुआ है, तू नया बाजा खरीदे, बजाने से पहले चोरी हो जाए। ईशा जी, आपके होते हुए हम लुट गए ईशा जी, हम बर्बाद हो गए ईशा जी, हम बर्बाद हो गए। शाह जी, जी आपको तो पता कि इधर कच्ची लैंड में बेचारे कितने गरीब मगेरे रहते हैं,
उन गरीबों यतीमों और मस्कीनों को इंसाफ चाहिए शाहजी, इंसाफ करें शाहजी, हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो गया। देखो जो भी हुआ है बुरा हुआ है, फिक्र नहीं करो, जिसने भी ये हरकत की है ना वो बचेगा तो नहीं। आप लोग फिक्र ना करो, आप लोगों का माल भी वापस मिलेगा और मुजरिम को सजा भी मिलेगी। बिल्ले जी, शाहजी जरा पता करो किसने जुर्रत की है जीवन नगर में चोरी करने की। तफ्तीश करो पूरी पूरी, ना रोक किसी और का भी रोना निकल सकता है। चुप कर जा, रोका है ना शाहजी ने। चुप कर जा फीकिया, शाह इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह शाह साहब की उम्र लंबी करे। शाहजी आपको हमारी जिंदगी भी लग जाए, आप हमेशा हमारे सिरों पर सलामत रहे, शाही सलामत रहे। हाँ हेलो, किधर रह गए हैं सब? इतना टाइम हो गया अभी तक कोई भी नहीं आया। सब ने मिलकर प्लान किया ना छुट्टी हैं? क्यों? देखिए जी, सबके बयानात हो गए हैं, सारी जगह से फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए, बस जैसे ही रिपोर्ट आती है समझे बंदे पकड़े गए। मलिक साहब कैसे करना है वो आपको पता है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ मुजरिम बच के नहीं जाना चाहिए। नहीं बचेंगे, बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, कुछ दिन के लिए जीवन नगर का कोई भी बंदा जीवन नगर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सर जी अपने को और हमसानियों से भी तो पूछ। नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है भाई, हमारा इतना नुकसान हो गया, खजाना लुटिया गया। वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है तो फिर नहीं है ना। नहीं आया तो फिर नहीं आई। हाँ परेशानी कोई बात नहीं है, एक दो दिन लगेंगे सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, फड़े जाएंगे। जी आपका नाम? पायल। पायल आपने वजह नहीं पूछी? माजिद के अब्बू ने कहा मत जाया करो, बब्बर शाह ने सबको रोक दिया है, अब वजह पूछकर क्या करना है, होना तो वही है जो बब्बर शाह चाहेगा। क्यों आप लोग गुलाम हैं बब्बर शाह के? मुन्नी जी मैं आपको बताती हूँ, मैं जब ब्याह कर जीवन नगर में आई थी ना तो जीवन नगर के हालात बहुत खराब थे, आने जाने के लिए लोगों के पास बहरामपुर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ राजा प्लस्तर का राज था, दिन दिहाड़े उसके बंदे मारते थे लूटते थे, औरतें तक उठाकर ले जाते थे। आज अगर जीवन नगर में सुख और अमन है ना तो सिर्फ बब्बर शाह की वजह से, हम गुलाम नहीं हैं उसके, एहसान मंद हैं। हाँ बब्बर शाह के असूल अपने हैं, अब अच्छे लगे या बुरे मगर हम जानते हैं है हमारी भलाई के लिए। हाँ ठीक है, चाय लेना आप? नहीं शुक्रिया, इजाजत दीजिए। दाफिस।
जी ये आपके बकाया 30 रुपये 5 रुपये टूटे हुए नहीं है, ये लो 3 सिंग में बच्चों को खिला देना। चलो। अच्छा जी यार कारोबारी जनाब, 2 आटे के टुकड़े अच्छा। और ये कुछ सामान भिजवा दो। टोटल मार के बताओ कितने हुए। लो जी अभी करते हैं टोटल जनाब। चीनी 5 किलो, चीनी 5 किलो, आटे के 2 तोड़े, आटे नहीं क्या नहीं है? नहीं है सामान। ये पड़ा तो हुआ है? समझ नहीं आ रही क्या कह रहा हूं मैं, नहीं है सामान। चलो नहीं है तो ना सही, मैं बाहर से ले लेता हूँ। पागल ना हो तो अपने ही कारोबार खराब कर रहे हैं। चल का सामान उठा ले लूंगा, क्या से दिल करते हैं ले जाके। हेलो भाई ये क्या किया आपने भाई? ओ कटो कट 7-8 हज़ार रुपए का सौदा था। तू भी को काम कर रहे असलम को फोन मिला, उसे का डबल रोटियां दे के जाए, सुबह से 3 गाहक मोड़ चुका हूं मैं। ओ वाह भाई वाह, बल्ले भी बल्ले आपके, आपको 3 डबल रोटियों का बहुत सख्त दुख है और सवेर से जो आप 30-40 हज़ार का सामान मोड़ चुके हैं उसका कोई दुख नहीं है भाई ना आपको। उस शबान कारोबारी तू भी ना दुख को महसूस कर और जाके ना उस चपली के ढाबे पे देख, उसने लिख के लगाया हुआ है कि यहां पे रमजान कारोबार के हामियों को दाखला ममनू है, मन जानब रोशन चपली। और वो लोग मुझसे पूछते हैं जब हम उसके ढाबे से कुछ नहीं ले सकते तो वो नेके हमारी दुकान से क्यों लेते, बोले दुख। लपाइन मुझे एक बात तो बताओ, अगर चपली खूह में छाल मार देगा तो क्या हम पे भी फर्ज है कि हमने भी खूह में छाल मार देनी है? देखो पाइन गुस्सा ना करो, बात को समझने की कोशिश करो। देखो खजाना चोरी होने की वजह से ना मगेरों के मुंह जो है वो पहले ही लटक गए, अब अगर हम नेकों को सामान नहीं बेचेंगे तो फिर सामान किसको बेचेंगे, ऐसे कैसे होगा कारोबार? तेरा काम चल रहा है ना, वो खर्चा मिल रहा है ना तुझे, बस चुप कर जा। ना 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 पाइन ना, बात खर्चे की नहीं है पाइन, बात जो है ना वो कारोबार की है। देखो पाइन ये जो कारोबार है ना ये सांझा कारोबार है, आपका मेरा कट्ठा, नफा नुकसान कट्ठा, लिहाजा आप ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते मेरी मर्जी के बगैर, खास तौर पर ऐसा फैसला जिससे मुझे नुकसान होता हो। ओ काका छोटा है ना तो छोटा ही रहो, आई समझ? ये कारोबार मैंने खड़ा किया था, रमजान कारोबारी ने, बड़े कारोबारी ने, और जैसे दिल करेगा चलाऊंगा। पाइन इतना छोटा सा माचिस की डिब्बी जितनी दुकान थी आपकी, इसको इतना बड़ा कारोबार किसने बनाया? मैंने, ये मेरी दिन रात की मेहनत है, मेरा खून पसीना शामिल है इसमें। देखो पाइन मैंने आज तक आपकी हर जायज नजायज बात मानी है, लेकिन अब मैं ऐसी कोई बात नहीं मानूंगा जो मेरी मर्जी के खिलाफ होगी। ऐसे कारोबार नहीं हो सकता, अगर आपने ऐसे कारोबार करना है तो मैं आपके साथ कारोबार नहीं कर सकता। ठीक हो तो करो अपना कारोबार, निकलो। ना धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे मेरा हक दो, मैं चला जाता हूँ, अलग कारोबार कर लेता हूँ। धक्का नहीं दिया, रास्ता दिखाया है और हिस्सा चाहिए है? हिस्सा चाहिए हा? हक है मेरा, दो मैं जाऊं देता हूं तेरा हिस्सा। शाहजी कितने हैं? शाहजी नहीं है डेरे पे, किसी काम गए हैं, कसम से किसी काम गए हैं। आए तो बता देना मेरा। जी ठीक है। याद ना दसी? जी ठीक है, कसम से याद से। ठीक है। चुप कर जाने दा, रो रो कर क्या हशर कर लिया तूने अपना? तुझे पता है कुछ दिन पहले ना माहिद बाजी भी मास्टर तुफैल के रिश्ता तोड़ जाने पर ऐसे ही रो रही थी, और आज शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा ही हुआ रिश्ता टूट गया।
वरना सारी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ कैसे गुजरती। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ अच्छे के लिए नहीं होता है। नाहीद प्यार नहीं करती थी मास्टर तुफैल के बेटे से, प्यार करती थी उससे। चार साल की मोहब्बत थी हमारी नादिया, चार साल। कैसे सबसे लड़ झगड़ कर हमारी बात पक्की हुई थी, बाबा भी हमारी खुशी में खुश हो गए थे। कैसे खुशियों से मैं सब तैयारियां कर रही थी, हर चीज अपनी पसंद से ली थी। और तुझे याद है मेहंदी, मेहंदी वाली रात कितना हंगामा किया था तुम लोगों ने। वो बोंगा इतना प्यारा लग रहा था उस दिन, कई बार मैंने खुद को उसकी दुल्हन बने उसके सामने बैठी देखा। कैसे पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया, रिश्ता तोड़ दिया, तो नहीं होता है ना नादिया। ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं होता ना, हाँ क्या बना। हाँ हाँ बॉस को बता दिया मैंने, बॉस बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से। मेरे लिए मेरा खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने काम का पूछ रहा हूँ क्या बना। भाई ये कुछ चर्स हिरन शराब थोड़ी है, जो जहाँ दिल किया उधर पकड़ा दी, थोड़ा टाइम लगेगा। तेरा भेजा सामान मिल गया मुझे, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बिकेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पर एक बात याद रखना, मेरा हिस्सा मुझे ना मिला ना तो काम तुम लोगों का भी नहीं होगा। इस वक्त जीवन नगर मेरी मुट्ठी में है, हैं? हाँ हाँ पता है मुझे। ओके आप मेरा शहजादा आया, कैसा है? शुक्र है, आप सुनाएं बिल्ला भाई। सुपर, बल्कि वो क्या कहते हैं, सुपर से भी ऊपर। बहुत अच्छा काम किया तूने, दिल खुश कर दिया, इनाम बनता है तेरा। सारे मेरे? हाँ तेरे ही हैं, तूने कमाए हैं। बस ऐसे काम करता रहे, इससे ज्यादा कमाएगा, तुझे मैं डॉन बना दूंगा जीवन नगर का। बिल्ला भाई एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी। हाँ बोल। यार वो साल मैं ले लूं। पिस्तौल? ले ले ना, अगर रख ले, आज से तेरी हुई। पर जब तक मैं कहूं ना चलानी नहीं है इसे। क्यों चलानी है यार, आपको तो चला भी सकते।
बला ही बना देती है बंदे को, खुदा की कसम। हाथ में पकड़ी है ना, हाय हाय हाय, मजा आ गया। मजा तो आता है फिर। इससे बिल्ला भाई एक बात है यार। हाँ। बब्बर शाह ने आपको ये सब करने की इजाजत कैसे दे दी, बड़ी हैरानी होती है मुझे। और बिल्ले को आप किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, गुजर गया बब्बर शाह का टाइम, अब बिल्ले का टाइम है। अब बिल्ला जिस चीज की इजाजत देगा ना, सिर्फ वो होगा। क्या बात है, मैं ना ख्याल कर बोलती, सॉरी सॉरी, कितनी बोली पकड़ना तो सीख ले, गोलियां बाद में गिनना। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।